वेलकम टू द चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको वेलकम करूंगा मेरे सिटी में, बालासिनोर सिटी में। तो आज ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, तो लियो क्लब बालासिनोर के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है जिसका नाम है प्री साइक्लोथॉन। एक हमने एक पहल शुरू करी है कि आज के ज़माने में हमारे जो यंगस्टर है वो मतलब जिम जा रहे हैं कसरत वसरत करने के लिए, तो जो बेसिक चीज़ है कि साइकिलिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हम ये एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है प्री साइक्लोथॉन। अगर प्री साइक्लोथॉन को सक्सेस मिली तो हम इस महीने के अंतिम में एक साइक्लोथॉन का भी कार्यक्रम करेंगे। तो आप सबसे एक ही चीज़ कहूँगा कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और साइकिलिंग करना शुरू कर दीजिए। आज मैं आया हुआ हूँ, अभी मिलन प्लाजा के नीचे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत सारी साइकिल्स आई हुई है, जिसमें एक साइकिल गुज्जू राइडर की खुद की भी है। तो आज हम यहाँ से राइड करने वाले हैं, मिलन प्लाजा से राइड स्टार्ट करेंगे। जाने वाले हैं आपेश्वर महादेव और बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं जो मेरे साथ हैं, और लियो क्लब के द्वारा ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो फटाफट से अपने स्टेमिना को हाई कर दीजिए, हम बहुत बड़ी राइड करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल गुज्जू राइडर। आई लियो प्रेसिडेंट लियो क्लब ऑफ बालासिनोर, लियो प्रेसिडेंट जयशा 2021। मित्रों, लियो क्लब ऑफ बालासिनोर द्वारा आज रोज प्री साइक्लोथॉन 2021 आयोजन करवामां आव्युं छे। मित्रों, लियो एटले लीडरशिप एक्सपीरियंस अने ऑपोर्चुनिटी, आ त्रणेनो समन्वय एटले लियो क्लब। लियो क्लब ए युवानो माटे कार्य करती संस्था छे। फ्रेंड्स, प्री साइक्लोथॉन 2021 आयोजन करवानो मारो मूलभूत हेतु ए छे કે મેક્સિમમ યુવાનો સાયકલિંગ તરફ પાછા વળે અને સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે ફિટનો પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો જે એન્થમ જે ગોલ છે એને ચરિતાર્થ કરે। મિત્રો, પ્રી સાયક્લોથોન 2021ના બહુ જ સફળ આયોજન બાદ આપણે સર્વે સાયક્લોથોન 2021નું આયોજન ફેબ્રુઆરી 2021ના અંતમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો તમામ મિત્રોને વિનંતી છે કે આપ મેક્સિમમ સાયક્લોથોન 2021માં જોડાશો અને લિયો ક્લબ ઓફ બાલાસિનોર દ્વારા જે મુહિમ છેડવામાં આવી છે એમાં અમને સાથ અને સહકાર આપશો। જય હિન્દ, જય ભારત। बालासिनोर में नगर पालिका के सामने से और मिलन प्लाजा से हमने साइकिल की राइड स्टार्ट की है, जिसका जो प्रोग्राम बनाया है उसे प्री साइक्लोथॉन नाम दिया है, क्योंकि साइक्लोथॉन भी अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं राजपुरी दरवाजे से होकर अपनी सिटी के अंदर से जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोग भी हमें देखेंगे, हमारे साइकिल के ग्रुप्स को देखेंगे, तो उनको पता चलेगा और वो भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेंगे कि नहीं यार, सुबह है, ये लोग कैसे साइकिल की राइड करते हैं, तो हमें भी साइकिल की राइड करनी चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा शरीर है वो बेहतर रहे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि एवरी मॉर्निंग राइड कीजिए और हेल्थी रहिए। आप लोग ये सोच रहे हो कि यार सुबह सुबह पूरा बाजार बंद है और कहाँ निकल चुके हैं ये लोग, तो ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है जो हम बालासिनोर सिटी के लोगों के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चे नहीं या फिर सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी राइड को ज्वाइन किया है, प्री साइक्लोथॉन को ज्वाइन किया है। इसमें डॉक्टर्स है, मैनेजर्स है और बहुत कुछ ऐसे व्यापारी लोग भी हैं बालासिनोर के, और स्टूडेंट्स वगैरह है, और जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल बनना चाहते हैं, एक मोटिव क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे आप उनको देख के सीखें कि एवरीडे साइकिलिंग करनी चाहिए।
इस राइड में हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ कुछ बच्चे लोग भी थे, बच्चा पार्टी थी। तो वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतनी एक्साइटेड थी कि इस राइड में प्री साइक्लोथोन में वो आगे ही आगे जा रही थी और किसी भी राइडर को आगे नहीं आने देना चाहती थी, वो आप देख सकते हो अभी वीडियो में। तो इनके साथ भी राइड करके मुझे बहुत मज़ा आया। राइडर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर लियो क्लब द्वारा एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट किया गया था, जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हो। अभी यहां पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, तो राइडर्स लोगों का हौसला चेक कर रहे थे कि वो थके तो नहीं है ना, स्टेमिना चेक कर रहे थे। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये है बालासिनोर का गार्डन, तो आप सब ने तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने पूरी सिटी का राइड किया था वो अभी आपको ऊपर आई सेक्शन में दिख जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यार हमारी चैनल गुज्जू राइडर। गार्डन से आगे हम निकल चुके हैं करणपुर वाले रोड पर, जो आप देख सकते हो अपना डेस्टिनेशन है आपेश्वर महादेव मंदिर। तो इस रोड पे हम जा रहे हैं। अभी आप जो ये व्यू देख रहे हो, ये व्यू हमारी साइकिल पे एक एक्शन कैमरा लगा है उसका व्यू है। अगर आपको ऐसा कैमरा चाहिए तो लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। हमारे साथ साथ एक म्यूज़िक वैन भी आगे चल रही थी जिसमें देशभक्ति के गाने बज रहे थे और जितने भी राइडर्स थे वो उत्साही होते थे गाना सुनकर। तो हम भी साथ गाना गुनगुना कर साथ में चल रहे थे और राइड करने में मज़ा आ रहा था। और ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने आए हैं जो आपेश्वर महादेव है, बालासिनोर से करीबन 5 से 6 किलोमीटर है शायद। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और जितने भी राइडर्स हैं उनमें से सबका रिव्यू लेंगे।
હું જેસી બ્રુકુટી શાહ અને આ સાયક્લોથોનમાં મને લિયો ક્લબ દ્વારા ઇન્વિટેશન જે લોકોએ સાયકલિંગ ગ્રુપ બનાવ્યું એમાંથી હું જોઈન થઈ અને એટલી એક્સાઇટેડ હતી કે ચલો ભાઈ કંઈક એક્ટિવિટી મળી કેમકે રૂટીન તો અમે વોકિંગને સાયકલિંગ કરતા હોઈએ છીએ પણ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું કે સાયક્લોથોન આપણા ગામમાં થયું છે એ બહુ જ મોટિવેટિંગ ને ઇન્સ્પિરેટિવ હતું કે બધાને એક ઇન્સ્પિરેશન મળે કે ચલો સાયકલિંગ અને અત્યારની જે એન્વાયરમેન્ટ છે ગ્લોબલ વોર્મિંગ એના માટે બહુ જ જરૂરી છે તો આ એક કર્યું એ લિયો ક્લબને બહુ જ ધન્યવાદ છે કે એ લોકોએ આ એટલો સરસ પ્રોગ્રામ આયોજિત કર્યો છે અને કદાચ આ સાયક્લોથોનમાં હું મોટામાં મોટી હોઈશ એજ વાઇઝ પણ જે રીતનું એ લોકોએ આયોજન કર્યું છે અને જે રૂટ રાખ્યો છે એનાથી બહુ જ યંગ ફીલ કરું છું મારી જાતે અને અત્યારે બે ત્રણ જણે એવું કીધું કે કદાચ મેડમ અમે તમારી એજમાં આવીશું તો કદાચ અમે તો બેસી જ જઈશું ને અમે કંઈ નહીં કરી શકીએ પણ જો અવી નવી એક્ટિવિટીઝ આપણા ગામમાં યંગસ્ટર્સ માટે એક્સરસાઇઝને લઈને થઈ જો થતી રહેશે તો કદાચ એવું થશે કે એ લોકોને એવું બોલવાનો વારો નહીં આવે ને બધા જ એક્ટિવ રહેશે થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ મેડમ સાયકલ ચલાવીને આવ્યો મજા આવી હા કેવું લાગ્યું સરસ રોજ કરવું જોઈએ આવું હા કસરત થઈ ગઈ હા ઠંડી લાગે છે ના મજા આવી ને હા તો જેમ આ નાના બાળકનું કોન્ફિડન્સ તમે જોઈ રહ્યા છો એ રીતના હું એક વસ્તુ સજેસ્ટ કરીશ કે તમે બધા પણ આના જેમ કોન્ફિડન્ટ બનો અને ડેલી રાઈડ કરો સ્ટે સેફ સ્ટે હેલ્ધી ઓકે શેખ રાજેન કેવું રહી રાઈડ મસ્ત રહી મજા આવી હા મજા આવી કેવું છે રોડ ડેલી રાઈડ કરવી જોઈએ બધાને હું તો ડેલી રાઈડ કરું છું તું ડેલી રાઈડ કરે છે ગુડ શું નામ છે સૌમ્યા સાયકલ રાઈડ કરી મજા આવી મજા આવી કેવું લાગ્યું બરોબરની મજા આવી બરોબરની મજા આવી રોજ રોજ આવી મજા થવી જોઈએ ને હા રોજ ઓકે રોજ બાગમાં જઈએ ને મજા આવી ગઈ ને અરે બહુ મજા આવી ગઈ તો શું કેવું છે પબ્લિક ને કે ડેલી સાયકલ ચલાવવી જોઈએ ડેલી ડેલી થાકવાનું નહીં નહીં થાકવાનું ને ના ઓકે લિયો ક્લબ ઓફ બાલાસિનોર ની સ્થાપના ઓક્ટોબર મહિનામાં 2020માં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ મોટિવેશનલ સ્પીકર સંજય રાવલ સાહેબની હાજરીમાં થઈ હતી. લિયો ક્લબે શું છે, લિયો ક્લબે લીડરશીપ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી, આ ત્રણેયનું સમન્વય છે. આ સંસ્થા 135 દેશની અંદર ચાલે છે અને યુવાનો માટે કાર્ય કરતી સંસ્થા છે. અને અહીંયા આપ સર્વે મોટી માત્રામાં અહીંયા યુવાનો ઉપસ્થિત છો તો આપ સર્વેને વિનંતી છે કે લિયો ક્લબ ઓફ બાલાસિનોર ને આપ જોઈન કરશો. બિલકુલ નવી ક્લબ છે, નવી સંસ્થા છે, બાલાસિનોર માટે નવો એક્સપિરિયન્સ છે. લાયન્સ ક્લબ ઓફ બાલાસિનોર ને તો તમે જાણતા જ હશો અને લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ ને તમે જાણતા હશો. તો લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ નું ચાઇલ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે લાયન્સ ક્લબ આપણું પેરેન્ટ ક્લબ છે અને આપણે એમના સંતાનો છીએ, એટલે લાયન્સ ક્લબ નું ચાઇલ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે લિયો ક્લબ. આની અંદર 40 વર્ષ સુધીના કોઈ પણ વ્યક્તિ આ સંસ્થા સાથે સંકળાઈ શકે છે. તો અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે જે યંગ બ્રિગેડ છે એમને મારી કહેવાની વિનંતી છે કે લિયો ક્લબ સાથે સંકળાવો અને આવી એક હું એવું માનું છું કે કઈ નહીં તો તમે સંસ્થા સાથે જોડાઈને 40-50 મિત્રો તો લાઈફ ટાઈમ બનાવી જ દેશો એમ, એ મારી ગેરંટી છે. લાઈફ ટાઈમ તમારી જે 50 મિત્રો કે 60 મિત્રો જેટલા બી ક્લબમાં મેમ્બર્સ છે એમનું એક ગ્રુપ તો તમારે બનશે જ એમ. એટલે મારી એવી ઈચ્છા રાખું છું કે જે કોઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે સર્વેને વિનંતી છે કે અમારી સાથે અમારી સંસ્થા સાથે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમારી સંસ્થામાં 40 મેમ્બર છે. અમે એક્સપેક્ટ કરીએ કે આ સાયક્લોથોનમાં જે કંઈ યંગ બ્રિગેડ અમારી સાથે સંકળાયું છે એ લિયો ક્લબ ઓફ બાલાસિનોરને જોઈન કરે.
આમાં ફિમેલ પણ અલાઉ છે અને મેલ પણ અલાઉ છે, યંગ છોકરા છોકરીઓ બધા માટે ઓપન ફોર ઓલ છે. તો અમે એક્સપેક્ટેશન રાખીએ કે તમે મોટી માત્રામાં અમારી સંસ્થા સાથે સંકળાવો. આપણી સંસ્થાની એન્યુઅલ ફીસ 1500 રૂપિયા છે. એની અંદર આપણે મિટિંગ્સ ને બધાનું જે કંઈ આયોજન કરીએ છીએ એમાં આપણી જે મેમ્બરશીપ ફી હોય છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આપ સર્વેને વિનંતી છે કે અમારી સંસ્થા સાથે જોડાવા માટે મારો અથવા મંત્રીશ્રીનો સંપર્ક કરી શકો છો. આભાર. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अभी जा रहे हैं बालासिनोर वापस. तो एक और चीज़ बता दूँ कि लियो क्लब के द्वारा हमारे यहाँ पर चाय और ब्रेकफास्ट का भी आयोजन रखा गया था, जिससे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ. तो आप जल्द से जल्द जो नंबर मैंने आपको पहले दिया वहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए और लियो क्लब का मेम्बर बनिए. और एक चीज़ की जब हमने राइड स्टार्ट की तब भी हमारा स्टेमिना बूस्ट करने के लिए वहाँ पर सभी राइडर्स को केले भी दिए गए थे. लियो क्लब के खुद प्रेसिडेंट भी हमारे साथ इस राइड पे अपनी साइकिल लेके आए थे, जो आप अभी वीडियो में देख सकते हो. थैंक यू सो मच टू लियो क्लब ऑफ बालासिनोर. और एज अ यूट्यूबर, एज अ गुज्जू राइडर मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और सारे साइकिल वाले राइडर को कुछ मोटिवेट करने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया. सो थैंक यू सो मच. राइड को ख़त्म करने के बाद मैं अभी स्पेशली आया हूँ, आप देख सकते हो, बालाजी नाश्ता हाउस. तो ये उनकी नई शॉप है. और एक ख़ास चीज़ मैं बता दूँ कि आज जो हमने ब्रेकफास्ट किया राइड पर, वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे जाके जो हमने ब्रेकफास्ट लिया उनमें इन्होंने 50% यानी 50% हमें ऑफ दिया था, अपनी तरफ से डिस्काउंट दिया था. तो उनको थैंक यू कहते हैं. और जब भी बालासिनोर में कुछ भी ब्रेकफास्ट करना हो, हेल्दी फूड बनाते हैं ये, बहुत ही स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, बहुत ही पौष्टिक खाना होता है इनका. समोसे है, कचौरी है, पोहे है, और अभी अभी कुछ यहाँ पर नई वेराइटीज़ भी बनाते हैं. तो उन्हें थैंक यू भी बोलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर ये नई शॉप में कौन कौन सी वैरायटीज बनाते हैं. तो चलिए उनसे मिलते हैं. हाँ नमस्ते. वो आपने जो पिछले वीडियो में बालाजी समोसा की लारी का वीडियो देखा है, वो हमारी पुरानी ब्रांच है और हमने एक अभी नई ब्रांच चालू की है. यहाँ वीरपुर रोड पर है और SBI बैंक के बाहर है, G1 है कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में हमारी नई ब्रांच चालू की है. और इसमें हमने 2-3 वैरायटी नई भी चालू की है. उसमें हमने रगड़ा समोसा, रगड़ा कचौरी, छोले समोसा, छोले कचौरी, सेवसल प्लस दही वड़ा, अच्छी टेस्ट है, स्वादिष्ट है. और बालासिनोर का आपके दिल में बसा हुआ नाश्ता है. सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप सभी बालासिनोर वासियों का हमारी लारी पर और हमारी दुकान पर इतना प्यार मिला है, हमारे नाश्ते की नाश्ते को इतनी तहे दिल से मोहब्बत मिली है. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. आइए हमारी लारी पर, हमारी दुकान पर, और विजिट कीजिए एक बार, और एक बार टेस्ट करिए हमारे नाश्ते का.
और एक चीज़, अगर आपको यहाँ पर आके कुछ भी लगता है कि आपको बड़ा ऑर्डर देना है, और सपोज़ कि आपको सोच रहे हो कि यार इतने पैसे हो गए, कुछ टेंशन नहीं लेना है, अपने ही बंदे हैं, यहाँ पर चैनल को देख के आइए, उन्हें बताइए कि हमने आपके YouTube पर देख के आए, तो कुछ ना कुछ अपने उसको डिस्काउंट, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।